हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आयुर्वेद के औषधियों में भी हम जो रस रसायन विद्या जिसको कहते हैं, जो भस्म आदि होते हैं, वो भी जिन तत्वों की हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है उन तत्वों को लेकर के उसको जला करके राख बना देते हैं और उसको बार बार खरल करके कई सारी पूट दी जाती है और पूट देते 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 उसको इतना फाइन, इतना सूक्ष्म कर दिया जाता है कि आप चमड़ी के ऊपर रखकर कैसे करें तो अपनी चमड़ी के अंदर उतर जाए। इतना नैनो पार्टिकल के रूप में वो आ जाता है और उन पार्टिकलों को, नैनो पार्टिकल उसके अंदर जो कारण रूप में रोग निवारण सामर्थ्य वो उद्भुत अवस्था में आ जाती है। और एक ग्राम, दो ग्राम, एक चंद मात्रा में हमें खाने के लिए देते हैं और उसको भी 6 महीना तक खाने के लिए देते हैं। एक, दो या 5 ग्राम की मात्रा में देते हैं और उसको भी 60 पुड़िया बना करके 1 महीने तक लेने के लिए कहते हैं और उसका जो असर होता है वो मरणासन व्यक्ति को भी खड़ा कर देता है। किस आधार पे? नैनो टेक्नोलॉजी। कहने का अभिप्राय, जो पदार्थ जितना ज्यादा टूटता है, जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, जितना ज्यादा नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली और ताकतवर पदार्थ बन जाता है और उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका विशेष रिजल्ट और लाभ होता है। और ये सारे पदार्थ नैनो होने के बाद भी यूरेनियम को देख सकते हैं, भस्म को देख सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ है जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन यज्ञ एक ऐसी सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है कि आप जिन द्रव्यों को नैनो कर रहे हैं उस सामग्री को, घी को, संविधा को आप पहले देख पा रहे हैं, लेकिन आपने जब उसको आहुति दे दी एक बार और अग्नि ने उसको नैनो कर दिया, सूक्ष्म कर दिया, अणु परमाणु के रूप में कन्वर्ट कर दिया, नैनो पार्टिकल के रूप में रूपांतरित कर दिया, उसके बाद आप ना उसको देख सकते हैं ना उसको आप छू सकते हैं, इतना ज्यादा नैनो हो जाते हैं। और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी हमने इससे निकलने वाले धूम्र के अंदर जो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल होते हैं उसको भी हमने देखा और इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो नैनो साइज के पार्टिकल होते हैं और इस पार्टिकल को लेकर के हमने इसकी एक्टिविटी और इनके अंदर क्या क्या तत्व है उसको भी हमने देखा। तो जो रोग निवारण सामर्थ्य के लिए जो हम अलग अलग दवाइयों का और अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं वो सारे कारण रूप में इसके अंदर मौजूद अवस्था में होते हैं और उसका प्रयोग हम करते हैं तो जो दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं वो भी दूर हो जाती। यह एक सुपर साइंस, एक नैनो टेक्नोलॉजी। अब मेरे साथ आप प्राणायाम का जैसे अभ्यास किया ऐसे हम आसनों का भी इसमें रोगानुसार अभ्यास करें, जैसे परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विशेष आसनों का अभ्यास करें। ऐसे ही इस मेडिकेटेड एयर के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, यज्ञ के द्वारा जो यह मेडिकेटेड एयर का हमने निर्माण किया है उसके अंदर बैठ करके रोगानुसार आसन विशेष रूप से हम करें। मंडूकासन का अभ्यास, लंबा गहरा श्वास भर के फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींचते हुए और दोनों हाथ की मुट्ठियों को पेट के ऊपर लगाते हुए आगे की ओर झुकते हैं। सभी लोग आसनों का अभ्यास करेंगे और आसन के साथ साथ इसमें जैसे मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन आदि कुछ ऐसे आसन हैं जिसके साथ साथ हम कपालभाति भी कर सकते हैं, आसन पूर्वक प्राणायाम, तो आप इसको भी साथ साथ में कीजिए। कपालभाति के साथ मंडूकासन का अभ्यास और इस प्रकार जब अभ्यास करते हैं तो इसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, पेट के लिए, आंतों के लिए भूख कम लगती हो,
कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है या और भी कोई ऐसी समस्याएं पेट से संबंधित, तो उसको दूर करने के लिए विशेष करके मंडूक आसन का अभ्यास। तो मैं बता रहा था यज्ञ हवन अग्निहोत्र यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है, यह सुपर साइंस है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है और इसका प्रयोग करने पर बहुत सारे अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होते हैं। देखिए यज्ञाग्नि के अंदर जिन द्रव्यों की हमने आहुति प्रदान की वह द्रव्य नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होता है। जब वह रूपांतरित होता है तो तीन रूपों में हमारे सामने आता है, ठोस रूप में पार्टिकल के रूप में, दूसरा गैस रूप में, तीसरा एनर्जी ऊर्जा के रूप में। जब वह गैस रूप में हमारे सामने आता है तो गैस रूप में सामने आने पर उसके अंदर अलग अलग जिन द्रव्यों को हम जलाते हैं उन अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग गैसें विशेष रूप से पाई जाती है। जैसे हमने ये अंगारों के ऊपर ये गूगल आदि औषधियों को रखा, ये आप देख रहे गूगल आदि औषधियों को अंगारों के ऊपर रखा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब अग्नि शांत हो जाए और धुनि शांत हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ी सी मात्रा में और उसके अंदर आप अलग अलग द्रव्यों को रखे और मेडिकेटेड एयर का जो निर्माण हो रहा है उसके अंदर बैठ करके मंडूक आसन आदि विशेष प्राणायामों का अभ्यास करें। तो इस प्रकार से मंडूक आसन भी 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एक आसन में रहने का अभ्यास करना होता है। जिनको डायबिटीज़ है, पेट से संबंधित समस्याएं, पेनक्रिया से संबंधित, लीवर से संबंधित, तो इस प्रकार से जो आसन भी करते हैं तो प्राणायाम के साथ और वो भी कम से कम 5-7 मिनट विशेष रूप से हम उसमें टिके तो उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये मंडूक आसन का हमने अभ्यास किया। ऐसे ही गोमुखासन, एक पैर के ऊपर दूसरे, जैसे हमारे दोनों ही पहले से सीधा कर देते हैं और फिर लेफ्ट पैर को पहले ऐसे मोड़ दिया, फिर राइट को उसके ऊपर ऐसे, दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रख देते हैं, दोनों पंजों के ऊपर बैठ जाते हैं, जो पैर ऊपर हैं उसी हाथ को ऊपर से और जो पैर नीचे है उसी साइड के हाथ को नीचे से पीछे ले जाते हैं और पीछे जा करके दोनों हाथों को जोड़ देते हैं और इस प्रकार सीधा बैठते हुए धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं या फिर कपाल भाती करते हैं या भस्त्रिका करते हैं, प्राणायाम पूर्वक आसन का अभ्यास करते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं वो पदार्थ नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होता है और जब वो रूपांतरित होता है तो पार्टिकल के रूप में, गैस के रूप में और एनर्जी के रूप में हमारे सामने आता है। जब वह गैस के रूप में हमारे सामने आता है तो इनके 3 महत्वपूर्ण और विशेष साइंटिफिक रूप से जो सामने आए हुए लाभ हैं वो होते हैं। वैसे तो बहुत सारे लाभ होते हैं लेकिन मैं आपके सामने वो लाभ रहा हूँ जो साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हमारे पास प्रूफ के साथ। पहला लाभ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को वो न्यूट्रलाइज करता है, खत्म करता है, दूर करता है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग गैसों का जो निर्माण होता है वो वायुमंडल के अंदर आते हैं। जब वह वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वायुमंडल के अंदर भी पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद अवस्था में हैं, दोनों आपस में जब मिलती है और उस वायुमंडल में एक अलग अलग समय में अलग अलग एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उसमें विशेष करके जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उस प्रकार एक अलग प्रकार का उसमें टेम्परेचर जनरेट होता है, तो उससे उस वायु के आपस में जो अलग अलग गैसें हैं उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और उसके परिणाम स्वरूप फोटोकेमिकल प्रोसेसेस को बोलते हैं कि
गैस गैस के आपस में मिलने पर उसके बॉन्ड्स तो टूटना बनना ये निरंतरता के साथ चलायमान होता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक घातक गैसें होती है SOX, NOX, CFC आदि, जो उसके कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं, जिसको हम एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण कहते हैं, और जिस वायुमंडल के अंदर रहने पर एक साल उसमें श्वास लेने पर, प्रदूषित शहर में रहने पर 6 महीने से लेकर के 1 साल से लेकर के 6-6 वर्ष की आयु कम हो जाती है। वह जो जहरीली घातक हानिकारक वायु है वह न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। तो यज्ञ से वायु प्रदूषण भी ठीक होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर के और भी बहुत सारे रिसर्चों में यह चीज सामने आई कि यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर वायु प्रदूषण ठीक हो जाता है। अब आसन की स्थिति बदल देंगे, अब राइट पैर को नीचे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर लाएंगे और कपालभाति के साथ गौमुखासन करेंगे निरंतरता के साथ लंबे समय तक। इस प्रकार से आसन पूर्वक प्राणायाम करते हुए, यज्ञ पूर्वक योग करते हुए, जब हम इस प्रकार प्राणायाम आसन आदि का विशेष रूप से इसमें अभ्यास करते हैं तो अपने आप में यह एक बहुत बड़ी विधा और विद्या के रूप में हमारे सामने आता है, और जो दुसाध्य असाध्य रोग होते हैं वह रोग भी से दूर होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यज्ञ से जो गैस निकली उसका पहला लाभ एयर पोल्यूशन को ठीक करना, दूसरा लाभ होता है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को दूर करना, अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसके कारण होने वाली बीमारियों को, उन कॉम्युनिकेबल डिजीज या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण होने वाली जितनी भी बीमारियां रोग है उसको भी यह यज्ञ दूर करता है। इसमें हमने कुछ रिसर्च जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को दूर करने के ऊपर, ये रिपोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसी के आधारित रिसर्च पेपर हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करके बनाया और पब्लिश करने के लिए भेजा। तो इसके अंदर ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स के, ये वो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स हैं जो विशेष करके माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स, ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को दूर करने के लिए जो आवश्यक गैसें होती है वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर मौजूद अवस्था में, और ये जब वायु के अंदर आती हैं तो वायु प्रदूषण अर्थात माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं वो इस मॉलिक्यूल्स के वायु के अंदर आने पर वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर आज पूरी दुनिया में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण बड़ा ही खूब भयावह रूप से, जैसे आप कोरोना वायरस एक को देख रहे, पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, योजनाएं अस्त व्यस्त हो गई, और भी बहुत सारा कुछ लोगों ने जान गंवाई और क्या क्या हुआ और अभी भी हो रहा। तो यज्ञ जब हम करते हैं, हवन अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके अंदर भी वो तत्व होते हैं जो वायुमंडल के अंदर आने पर जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि हैं उसको नष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं या पैदा ही नहीं होने देते। इसलिए यदि हम अपने घर में इतना छोटा सा यज्ञ, हवन और बाद में इसे थोड़ा गूगल आदि औषधियों की धुनी कर ले तो अपने घर के अंदर कोई भी द्रव्य, जो भी बहुत सारी वस्तुएं होती है, गद्दे, कपड़े, लते, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, दरवाजों के हैंडलों से लेकर के मोबाइल से लेकर ना जाने बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। जब हम दूसरी चीजों से सैनिटाइज करते हैं तो एक सीमा तक कर, लेकिन ये धूम्र तो चारों ओर जाता है, घर के कोनों कोने तक, हर वस्तु तक छूटा, सब कुछ सैनिटाइज हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है पूरा पर्यावरण, वायुमंडल और वस्तुएं भी।
अर्थात माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी देने वाले द्रव्य इसमें विशेष होते हैं। उसके बाद उन द्रव्यों को लेकर के ये जो हवन होता है वो करने के बाद जो धुआं होता है, तो जो करीब 2.25 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया 15-20 प्रकार के होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को हमने लिया और उनके ऊपर ये यज्ञ के पहले तो गैस को एनालाइज करके देखा, उसमें तो कंपोनेंट मौजूद अवस्था में है। फिर उसको हमने उन बैक्टीरिया आदि को दिया और जब उसको हमने दिया तो उसमें भी हमें वो रिजल्ट प्राप्त हुआ कि बैक्टीरिया अलग अलग रोगों के लिए जो मौजूद है, जो 2.25 करोड़ लोगों की जान का कारण बन रहा, वह बैक्टीरिया 60-65% से लेकर के 94-96% तक किल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं इस यज्ञ धूम्र से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टडी, बहुत बड़ी रिसर्च, बहुत बड़ा खुलासा यज्ञ से सब कि यज्ञ से जो गैसें निकलती है वो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी हमें बचाता है और रोगाणु रोग दोष आदि से भी मुक्ति दिलाता है, जिसको हम कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं वो भी दूर हो जाती है इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने को। तो यह दूसरा लाभ गैसों का विशेष होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मुक्ति पाना या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मुक्त होना। कि जो हम अलग अलग लाभों की बात करते हैं उसमें दूसरा लाभ गैस बनती है उससे, और तीसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है चिकित्सा का लाभ। अर्थात ये जो यज्ञ के द्वारा जो मेडिकेटेड एयर तैयार होती है, वह एयर हमारे श्वास प्रश्वास की प्रणाली के माध्यम से निरंतरता के साथ उसको श्वसन प्रणाली के साथ हम ग्रहण करते हैं और श्वासों के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में वो औषधीय तत्व हमारे अंदर घुलते हैं। जब वो हमारे शरीर के अंदर औषधीय तत्व जाते हैं तो उसका विशेष रूप से रोग निवारण के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। यह यज्ञ के द्वारा जो गैसें निकलती हैं उससे होने वाला महत्वपूर्ण और विशेष लाभ है यह यज्ञ से चिकित्सा होना, यज्ञ से मेडिकेटेड एयर का निर्माण होना और उस मेडिकेटेड एयर को आत्मसात करना, उस मेडिकेटेड एयर को श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैला करके जो दुसाध्य रोग कहे जाते हैं, जो असाध्य रोग कहे जाते हैं, वो दुसाध्य असाध्य रोग भी इस यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, इस मेडिकेटेड एयर के अंदर रहने पर वो दूर होते हैं। हमने कई सारे अलग अलग परीक्षणों में हमने देखा कि जो दुसाध्य रोग होते हैं, पर ऐसे रोग जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से लेकर के जो कुछ भी है वो सारा प्रयोग करने पर और एक एक दिन में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए तक खर्च करने के बावजूद भी जिन लोगों को विशेष लाभ नहीं हुआ और अंतिम में डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया कि अब इसको आप ले जाइए, जितनी सेवा कर सकते उतनी सेवा कीजिए, अब इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, जितने दिन जीते हैं कुछ दिन आप सेवा कर, या किसी को समय दे दिया कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अब मेहमान है आप इसकी सेवा कर। ऐसे लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और जब उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया तो उन्होंने पाया कि उस दुसाध्य अवस्था जहां पर मॉडर्न मेडिकल साइंस हम कहते इतना आगे बढ़ चुका और इतना सारा उपचार एक एक दिन में 80 हजार से 1-1 लाख खर्च करने के बावजूद भी जिनको कोई लाभ नहीं हुआ, अंतिम में मरने के लिए छोड़ दिया, वो लोग भी यज्ञ चिकित्सा को लेने पर खड़े बैठे हो, ये हमने देखा। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। देखिए हम जिस वायुमंडल के अंदर श्वास लेते हैं वह हमारा एक बहुत बड़ा आहार है। हम 3 प्रकार के आहारों को लेते हैं, ठोस,
द्रव और गैस तीन रूप में आहार लेते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। ठोस रूप में हम रोटी दाल चावल आदि लेते हैं, द्रव रूप में पानी दूध जूस आदि हम लेते हैं, गैस रूप में हम वायु लेते हैं। ये तीनों ही आहार हमारे लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीनों का भी यदि कंपैरिजन देखें तो हम ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल दिन में कितनी बार लेते हैं, 24 घंटे में 2 बार 3 बार, 2 से 3 बार हम ठोस रूप आहार लेते हैं। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर हम द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं, 5, 7, 10 बार ठंडी गर्मी की अपेक्षा के आधार पर। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर हम गैस रूप आहार वायु कितनी देर लेते हैं, कितनी बार लेते हैं, 24 घंटे एनी टाइम हम गिन नहीं सकते, हर मिनट में 17 बार से अधिक 16 बार से अधिक। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी, स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे, घाव देखा नहीं जाता था। ओके, और जब उन्होंने हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया साथ में, डायबिटीज आ गई और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था, उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन मैं जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन मैं गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है, मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया, खाली हवन सिखाऊंगी मैं। धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40-50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था, ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया, ना मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशंस लेती हूँ बच्चों को, सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के
नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और आप इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।